देख रहे हैं प्रीतम एंटरटेनमेंट और आ चुके हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और इस वक्त हम नया बास्केट बनाएंगे, नए दुकान पर है। देखिए इस तरह का टेबल बास्केट बनाएंगे, तो आप देखते रहिए किस तरह से बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्पाइसेस को भिगा लेते हैं पानी में, उसके बाद फिर वहाँ पर लगाएंगे। चलिए चीज भीग चुका है, देख सकते हैं पानी में पूरा भिगा दिए हैं। और इसमें इस तरह से फिट कर देंगे, सीधा साइड से लगा देंगे, देख सकते हैं किस तरह, इस तरह से बैठा देंगे। और इसके बाद फिर चलिए बांध देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह का दो छोटा सा लकड़ी लेना है और उसके बाद फिर यहाँ पर रख देना है, ताकि ये वाला तार उसके बाद निकालना है। इस तरह से ले लेना है तार, देख सकते हैं। और उसके बाद फिर इस तार से इसको बांध देना है ताकि निकले ना। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बांध चुके हैं सब तरफ से तार को, अच्छे से बांध चुके हैं। तो चलिए इसमें आप लगाने का बारी है, फूल फूल सजाने का बारी है। तो आप फूल सजाते हैं, चलिए बस फूल लेके आते हैं उसके बाद फिर। तो फ्रेंड्स फूल ले आ चुके हैं, देख सकते हैं हम सारा फूल ले आ चुके हैं, यहाँ पर रख चुके हैं जो जो लगेगा। तो ये पत्ता पहले ले आते हैं, इसको बराबर से कटिंग कर देते हैं, उसके बाद बनेगा अच्छे से। तो कैची थोड़ा दूसरा ले आते हैं, यहीं तक हो रहा है तो देख सकते हैं कैची किधर रखा हुआ है। तो चलिए कैची ले रहा है, ये वाला कैची देख सकते हैं अच्छा है। इससे हम कटिंग कर लेते हैं अपने हिसाब से जितना भी लगे। बराबर से कटिंग कर लेना है, देख सकते हैं पूरा बराबर से कटिंग हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमारा तीन पीस लग चुका है, देख सकते हैं तीन पीस इस तरह से लग चुका है। और उसके बाद फिर हम मॉड्स लगाएंगे। साइड साइड वाला पत्ता लेके आते हैं, दो मिनट में एक मिनट में लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स ले आ चुके हैं ये जगह लगाने के लिए, इस जगह खाली खाली दिख रहा है, तो यहाँ पर इसको कटिंग कर लेते हैं पहले इस तरह से, थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा लगा देते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग किस तरह से बन चुका है, आधा कंप्लीट हो चुका है।
टाप लगाते हैं इसको। इस तरह से नाप लेना है, जितना जाएगा उतना लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर येलो वाला बीच में लगा देते हैं, ये वाला छोड़ देते हैं, येलो वाला अच्छा दिख रहा है, तो व्हाइट वाला रखने से लगा देते हैं। कोई भी तीनों में से एक अच्छा जो आपको लगेगा वो लगा देना है। लेफ्ट से राइट से हम लगा दे रहे हैं, यहाँ से कटिंग करके इस तरह से। लगा लेना है, उसके बाद जगह लगा लेना है साइड में। तो फ्रेंड इसको सीधा लगा लेना है और उसके बाद फिर येलो यहाँ पर लगा लेना है और फिर लगा लेना है। और चौथा का जरूरत नहीं पड़ेगा, ज़्यादा ले आए हम तो इसको रख देते हैं। चौथा का जरूरत पड़ेगा तो इसको लगा लेंगे छोटा वाला लेके। तो जरबेरा स्टिक कर लेते हैं, लेके आते हैं हम स्टिक। तो देख सकते हैं टिकले आ चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से पीछे कटिंग करके पतला सा इस तरह से लगाना है और टेप मशीन से स्टिचिंग करना है, जो कि टेप मशीन। तो गाइस इस तरह से जरबेरा को स्टिच कर लेना है और टेप मशीन से गोल गोल करके इस तरह से उठाना है। टेप मशीन से इस तरह टेप लेना है और उसके बाद फिर इस तरह से ऐसे घुमा देना है कटिंग करके इस जगह नाप के, और जरबेरा को लगा देना है एकदम बराबर से लगा देना है। तो हम नाप लिए हैं, कटिंग कर देते हैं और उसके बाद फिर हम स्टिचिंग करके बराबर से लगा दें। तो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इसी तरह लगाते रहे। पूरा अच्छा से सजा लेने के बाद तो गाइस जरबेरा सजा लेने के बाद फिर ये वाला पत्ता आता है। ये वाला पत्ता को निकालना है और कटिंग करना है। उसके बाद फिर यहाँ से लेके इस तरह से कटिंग कर लेना है
देख सकते हैं इस तरह से, इतना मतलब कटिंग करके इसको चौकिंग बना लेना है, उसके बाद फिर इस तरह से बना लेना है गोल। और यहाँ से लगा लेना है, उसके बाद फिर यहाँ पर इस तरह से फिट कर देना है, इस तरह से। इस तरह से बन जाएगा, और उसके बाद फिर गुलाब लगा देना है जिस जिस जगह बचा है। गुलाब लेके आते हैं, गुलाब ले आ चुके हैं और गुलाब को फ्रेश कर लेंगे। अगर खराब होगा तो हल्का पंखुड़ी हल्का फ्रेश कर लिया जाता है गुलाब पर, अगर सब देख सकते हैं चलिए, उसके बाद बराबर से कटिंग करते हैं इस तरह से फिट कर देंगे। नहीं तो वो गुलाब का पत्ती थोड़ा खराब है तो उसको हटा देते हैं, इस तरह से हटा देंगे। इसके बाद फिर नाप लेके कटिंग कर लेंगे। खराब वाला बत्ती को हटा देंगे यहाँ से इस तरह से नोच के, उसके बाद फूट लेना है। फिर सब गुलाब का बत्ती को भी हटा देना है, लगाने में आसानी होगा ना देने के। तो गाइस देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है, हमको कमेंट में जरूर से जरूर बताएं। और हमारा बास्केट बन के तैयार हो चुका है, तो आपको दिखा देते हैं सामने से किस तरह से दिख रहा है। बहुत मेहनत लगा, तो देख लीजिए किस तरह से दिख रहा है हमारा बास्केट गुलदस्ता, पूरा तैयार हो चुका है देखिए। तो फ्रेंड्स आपको हमारा बास्केट वाला गुलदस्ता कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स में जरूर से जरूर बताएं, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक ठोक दें। और वैसे बताते हैं हम तो सौरभ इन्वेस्टर इंडिया नगर जैसे बड़े यूट्यूबर तो नहीं है, छोटे यूट्यूबर हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी और भी वीडियो बना सकूँ, और मैं उनके जैसे बड़े यूट्यूबर नहीं हूँ, इसलिए वजह से मैं घूम के ब्लॉग तो नहीं बना सकता। काम करता हूँ यहाँ पर फूल दुकान में, तो अभी यही बना के दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं, और आगे भी बनाएंगे और सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आगे और भी वीडियो बना सकूँगा। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत।